In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good, best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today, I am talking about moles in your skin. आपकी स्किन के ऊपर जो moles present होते हैं, इसका हल क्या है? ये moles जो आपकी स्किन के ऊपर निकलते हैं, जिसे हम आम अल्फाज के अंदर आप पंजाबी में सुनेंगे, मोके कहते हैं, ये आँख के ऊपर मोका निकल आया जी, फलां जगह पर कमर में बहुत सारे वो निकल आए हैं जी, तो इन्हें moles कहते हैं, ठीक है? ये स्किन के ऊपर निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? इसके ऊपर इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। याद रहे, आपकी जो स्किन है ना, इसके अंदर कुछ मेलानोसाइट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, और यही पिगमेंट्स होते हैं ना, मेलानोसाइट्स, ये डिसाइड करते हैं कि आपका कलर वाइट है तो क्यों वाइट है, अगर ब्लैक है तो क्यों ब्लैक है। इसकी वजह मेलानोसाइट्स आपकी स्किन का कलर डिसाइड करते हैं। अगर बहुत सारे जो मेलानोसाइट्स पिगमेंट्स होते हैं ना, जब आपस में जब क्लस्टर की शक्ल तैयार करते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा मेलानोसाइट्स होंगे ना, लेकिन ये क्या करते हैं, ये डार्क शक्ल इख्तियार करते हैं, ठीक है? जितने भी वो अफ्रीकन हैं या जितने भी वो लोग जिनका रंग बहुत ज़्यादा डार्क है, उनमें मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लस्टर की शेप्स में होते हैं, और वो तमाम हजरात जिनका जो है कलर फेड होता है, उनमें मेलानोसाइट्स जो है ना वो सिस्टमिकली होते हैं, तो यानी कि ना एक पूरे डिसिप्लिन से होते हैं और कम होते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिनका कलर डार्क है या बहुत ज़्यादा सांवला है, ठीक है, उनके निस्बत। अब यही जो मेलानोसाइट्स हैं ना, ये पिगमेंट्स, यही जो है ना, इन्हीं की वजह से आपके जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं जी, आपके मोल्स निकलते हैं स्किन के ऊपर। अब ये जो स्किन, लाजमी नहीं है कि आप बचपन में पैदा हुए तभी निकलेंगे, नहीं, ये आप ऐसे देखेंगे आपकी ये जो है ना वो राउंड अबाउट पहुंची 16 के करीब निकल आया, आपकी 22 के करीब निकली, आपके मोल निकल आया। हाँ, ये 40 से पहले निकल आते हैं, अगर निकलने हों तो ठीक है, और ये नहीं निकले तो नहीं निकलते, लेकिन ये 40 की एज से पहले ये निकल होते हैं, किसी भी एज के किसी भी हिस्से में 40 से पहले 40 के बाद भी निकल सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो केसेज है ना वो 40 साल की उम्र से पहले आपकी स्किन के ऊपर ये निकल सकते हैं। अब इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है? अब यहाँ पर मैं आपको एक ना मिथोलॉजी कुछ क्लियर करूँ। हमारे यहाँ ना बहुत सारे देसी कॉन्सेप्ट भी चलते हैं जी, वो सोडा लगा लें या आप कॉस्टिक सोडा लगा के या कोई भी, वो देर आर अ लॉट ऑफ नुस्खे तिब जो हमारे यहाँ चलती है, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप ये नुस्खे इस्तेमाल करें, मैं नहीं कहता कि आप ये इस्तेमाल करें या ना करें, ये आपका अपना माइंड है, लेकिन एज अ मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको मैं ये बताऊँगा कि जो आप लगाते हैं ना, ये सोडा लगा के इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे जो है ना वो देसी कॉन्सेप्ट हैं, मैं देखिए ये आपका ठीक भी कर सकते हैं, देखा जाता है कि ठीक हो गया बंदा, इसके मोह निकला था, मौका निकला था, वो ख़त्म हो गया, केस ऐसे देखे गए हैं कि केस मज़ीद बिगड़ जाता है, मज़ीद ख़राब हो सकता है, मज़ीद ये ठीक भी हो सकता है, मज़ीद ख़राब भी हो सकता है, सो लिहाजा जो इसका एक जो बेहतरीन जो इसका इलाज है, जो एक बेहतरीन इसका जो है ना वो ट्रीटमेंट है, वो सर्जिकल है, ठीक है जी। डिपेंड करता है कि आपका मोल कितना है, आपने लोगों ने देखा होगा कि वो सर के ऊपर बहुत बड़ा है कि वो बाहर निकला हुआ है, आलू जिसे कहते निकला हुआ है, वो भी एक अलग केस है, अगता वो भी इसमें ही आता है। छोटे मोल्स होते हैं, छोटे बारीक भी होते हैं, फिर मोटे होते हैं, फिर बहुत मोटे भी होते हैं, इनकी साइज ये बनेंगे ना, साइज़ कैसा है, किस साइज़ का है, फिर इसके जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं, इसका लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है, और ये काम मैं आपको बताऊँ, इसका चुप करके अगर आपको ये निकल आता है ना, तो आपको चाहिए कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। ये जो मामला है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट, वो एक स्किन स्पेशलिस्ट होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसको डील करता है। ये जो है ना वो 90-80% जो है ना, ये सर्जिकली बाय सर्जिकल मेथड इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर और भी जो है ना वो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, और हाँ, लेज़र के साथ भी इसको रिमूव किया जाता है, और आजकल लेज़र ट्रीटमेंट जो है ना मोल्स को रिमूव करने के लिए बहुत आम है और बहुत मुफीद भी है, ठीक है। लेज़र ट्रीटमेंट ए वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग मोल्स, ठीक है। तो देसी नुस्खे अपनाएं ना अपनाएं, ये इसके ऊपर एहतियात कीजिए, क्योंकि मामला आपका मज़ीद बिखर भी सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक हो जाए तो हो भी सकता है, वो तो आपके अपने ऊपर है। ये कह लें कि खुदकुशी मवाद है कि आप मवाद लगा रहे हैं, खुदकुश बच के तो बच के, ना बचे तो ना बचे। सो लिहाजा जो उसका बेस्ट वे है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, बेस्ट वे है वो जो है ना आपका लेज़र ट्रीटमेंट है, उसके ज़रिए आप करवा सकते हैं, या फिर अपनी कंडीशन के मुताबिक करीबी डर्माटोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फ़मा लेना इल्ल बलग़ुल मुबीन, थैंक यू।